हेलो दोस्तों, अकाउंट टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद GST। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलियास ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ एलियास ऑप्शन। अब आप सोचेंगे एलियास क्या होता है, कुछ को इसके बारे में पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये एक टैली का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप अपने काम को काफ़ी ईजी कर सकते हैं और ये आपका टाइम भी इसमें आप बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एलियास होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं, मान लीजिए किसी का भी लेजर आप क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप नेम लिखेंगे इसके नीचे लिखा आता है एलियास। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है आपको, और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि वैसे तो ये एलियास छोटा सा वर्ड है, आप सोचते होंगे कि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, अगर जब आप इसके यूजेस जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके वजह से आप काफ़ी अपने वर्क को इजी कर सकते हो और ये आपका टाइम भी बचाने में काफ़ी हेल्प करेगी। मैं एक तरह से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कोई आपका कस्टमर है जो दिन में आपसे कई बार माल परचेज करता है, तो क्या होता है कि उसको जो है बार बार आपको सेल के बिल अगर आप उसके जनरेट करेंगे तो आपको बार बार उसमें पूरा नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आप एलियास का ऑप्शन उसमें यूज़ करते हैं और उसकी एलियास में आप उसकी एक उसके नाम की जगह कोई इसका निकनेम डाल देते हैं, तो उसकी मदद से आप जो है जब उसमें आप अपनी सेल का वाउचर जनरेट करेंगे तो आपको उसमें पार्टी का नाम लेजर ढूंढने के बजाय आप खाली एलियास का ऑप्शन यूज़ करके आसानी से आप उसका भी जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको उसका करके दिखाता हूँ। एक बार देखिए, एक बार मैं आपको कुछ लेजर दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं। ये मेरे पास लेजर है रामलाल, जिसमें मेरे पास चार लेजर है, रामलाल अशोक कुमार, रामलाल किशोर कुमार, रामलाल मोहनलाल या फिर रामलाल प्यारेलाल। इसमें जो हमारा एक ये जो है रामलाल अशोक कुमार, ये पार्टी ऐसी है जो दिन में हमसे कई बार माल परचेस करती है और हमें बार बार इसका बिल क्रिएट जनरेट करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग जब आप कोई भी बिल जनरेट करेंगे, तो अगर आप शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो उसके आपको लेजर ऑल्टर करना होगा। आप सिंपली इसके लेजर ऑल्टर कर दीजिए। मान लीजिए रामलाल अशोक कुमार है, तो इसको मैं अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं और मैं एलियास में इसमें एक शॉर्टकट की डालने मानूँ, या फिर आप कह सकते हैं निक नेम, जो भी एलियास को कहते हैं एक तरह से निक नेम कह सकते हैं आप इसको। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है लेजर में, तो आप सिंपली कॉन्फिगरेशन में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एलियास फॉर नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वो प्रोवाइड एलियास फॉर नेम। आप इसको सिंपली यस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर इसको मैं फिलहाल डाल देता हूँ जैसे कि RAL, मैंने इसको एलियास डाल दिया RAL, तो इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब मैं इसको कुछ भी सेल करता हूँ तो अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को पूरा यहाँ पर टाइप करना होगा राम लाल अशोक कुमार। देखिए मेरे को पूरा टाइप करना पड़ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ सिंपल RAL भी टाइप करूँगा तो देखिए RAL यहाँ पर शॉर्ट जो इसके अंदर के नेम था वो यहाँ पर शो हो रहा है, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने जो है रामलाल अशोक कुमार ही एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर RAL नहीं आया है, यहाँ पर रामलाल अशोक कुमार आया है। आप सिंपली इसको एंटर प्रेस करके आप जो मर्जी इसको परचेज कर सकते हो, जो भी आप परचेज करना चाहें। सिंपली आप इसको एंटर प्रेस करके इसको एंट्री को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरा अगर मैं लेजर देखूं, तो जो हमारा लेजर था रामलाल किशोर कुमार, अगर मैं इसको RLK लिख दूं, तो इसको भी आप सिंपली ऐसा हो सकते हैं। देखिए RLK एक तरह से रामलाल किशोर कुमार, मैंने इसको LIS में डाल दिया है, और सिंपली जब आप इसको एंट्री को इसमें आप सेल के लेजर पर जब आप इसका लेजर ढूंढोगे RLK, तो देखिए आप RLK यहाँ पर शो हो रहा है। और एंटर प्रेस करने के बाद आप बैक स्पेस की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रामलाल किशोर कुमार। तो ये है इसका यूज़ एलियास का, कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से शॉर्टकट मेथड है इसमें। अगर किसी भी पार्टी का बहुत ज़्यादा लंबा नाम है, जैसे कि रामलाल अशोक कुमार प्यारे लाल, इस तरह से होता है, किसी किसी पार्टी का बहुत लंबा लंबा नाम होता है, तो आप एलियास का यूज़ करके उसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, और जब भी आप उसको सेल परचेज जो भी आप करें, आपको सिंपली वो वर्ड टाइप करना है, उसका पूरा लेजर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया लेजर में कि आप लेजर के थ्रू कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। एक दूसरा भी बताने वाला हूँ आपको इन्वेंट्री में, कि आप स्टॉक में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं।
एलआईएस का यूज़ आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप सिंपली हम यहाँ पर गेट टू टैली में आ गए हैं और ऑल्टर में जाएंगे तो मैंने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने जींस क्रिएट की है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एलआईएस का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एलआईएस का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको। आप सिंपली यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए जींस की जो मेरी आइटम है, मैंने इसको नंबर एक नाम दे दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। जो मेरी रेडीमेड की आइटम है या फिर शर्ट है, शर्ट को मैंने यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको नंबर दो नाम दे दिया और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए जब भी मैं किसी को परचेज वो सेल करता हूँ आइटम, मान लीजिए आर एल के कोई मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एंट्री आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम यहाँ पर आ गई है। तो अगर मेरे को यहाँ पर जींस सेलेक्ट करना है तो अगर जींस लिखना होगा तो मैं अगर सिंपली नंबर वन प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पर नंबर वन पर आ रहा है और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली जींस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आप इसका भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए 10 पीस मैंने इसको बेचे 400 के हिसाब से। अब मेरे को इसको शर्ट बेचनी है तो हमने शर्ट में क्या एलआईएस डाला था, नंबर दो, आप यहाँ पर नंबर दो प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए नंबर दो प्रेस करते हैं यहाँ पर शर्ट इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। तो आप स्टॉक कैटेगरी में भी इसका एलआईएस का यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सिंपल फॉर्मेट है जिसको भी आप आराम से कर सकते हैं। उसको आप मान लीजिए मैंने इसको 10 पीस 350 में सेल कर दिए, GST आप चार्ज कर दिया और GST आप चार्ज कर दिया और उसका एंटर एक्सेप्ट कर दिया। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, LIS का यूज़ आप लेजर में कर सकते हैं और LIS का यूज़ आप जो है इन्वेंट्री में भी कर सकते हैं। इन दोनों के ही ऑप्शन दोनों को अगर रख दे साइड में तो इसका तीसरा भी यूज़ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास रेडीमेड के अलावा कुछ और आइटम हो सकती है, जैसे कि कोई दाल वगैरह, चावल वगैरह, कोई किराने का सामान जिसको आपको डिस्प्ले करना है हिंदी और इंग्लिश में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपके जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और आपको पता ही है कि टैली में सब फंक्शन जो है सारा मतलब इंग्लिश में ही होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है स्टॉक आइटम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शो हो बिल के ऊपर, तो उसका भी एक एलियास का ऑप्शन उसमें आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कोई आइटम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि जींस ब्रेड ठीक नहीं लगती। मान लीजिए मैंने जो है एक आइटम क्रिएट कर ली, राइस, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर राइस। अब राइस का तो खैर कुछ लोग जानते हैं कि राइस को चावल भी कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि राइस क्या होता है। तो इसको अगर मेरे को हिंदी में भी लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन पर जाना होगा, आपको F12 प्रेस करना है, F12 में आपको मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड लैंग्वेज एलाइज फॉर नेम। तो देख सकते हैं आप प्रोवाइड लैंग्वेज एलाइज फॉर नेम, आप इसको सिंपली आप इसको यस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंग्लिश का, आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हिंदी। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर तो राइस ही लिखा दे रहा है, एलआईएस में आप लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में जिसको आपको पता कहते हैं चावल, तो आप चावल यहाँ पर टाइप करेंगे एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने चावल सेलेक्ट करा और चावल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेगा। सिंपली आप इसको एडजस्ट कर देंगे और इसकी जो यूनिट्स है वह मैं क्रिएट करता हूँ केजी में, इसको लिख देते किलोग्राम, और इसको लिख देते केजी में। फिर मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, आपको एक बार इसमें रख लेना है और सिंपली मैं उसको दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने के आर केयर को इसमें कुछ सेल करी है और मान लीजिए इसको 100 किलो आपने चावल परचेज सेल करे हैं 250 के हिसाब से, इसको सिंपली आप इसका एंटर एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप इसको प्रीव्यू देखेंगे प्रिंट आउट में, तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी इसमें, वो डिटेल में आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
डिस्प्ले नेम और स्टॉक आइटम, इसको आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है इस पर नेम एलियास को, उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको कंट्रोलर के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे और ऑल्ट जेड प्रेस करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइस के बराबर में आपको चावल दिखाई दे रहा है हिंदी में लिखा हुआ, तो इसका इसमें आप नाम से लिखा हुआ इसको देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी जिसमें कोई वर्कर है जो कम पढ़ा लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकता है, अगर वो इंग्लिश नहीं जानता ज़्यादा तो इसको आराम से पढ़ लेगा और आसानी से समझ भी लेगा। तो इसमें अच्छी सी एक ट्रिक थी। तो ये थे तीन तरह के इसमें टाइप थे एलियास को यूज़ करने के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो सब्सक्राइब करो।